कोविड-19 जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये हमारी गुनाहों की सज़ा है। हमें सबको चाहिए कि तौबा तायब करें, अल्लाह रहम करें और हमें इस मुश्किलात से, इस मुल्क को, पूरी दुनिया को निकालें, हमारी गुनाहों की बख्शिश हो। इसके साथ साथ जो लॉकडाउन किया हुआ है इस वायरस की वजह से, इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन में जो मुश्किलात लोगों को दरपेश आई हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीकर सेक्शन, गरीब आवाम और ख़ुसूसी तौर पे जो लगभग हमारे पीर पंचाल, जम्मू, उधमपुर, चिनाब वैली या कश्मीर से कुछ लेबर लगभग 15,000 के करीब जो रियासत से बाहर हमारे मुल्क के बाकी रियासतों में हैं, जैसे आसाम में हैं, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, गुवाहाटी में या बाकी एरियाज में, उनको किसी भी तरह से अपने घरों में वापस लाने की सुविधा देनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना चाहिए, उनका खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहिए, उनके पास पैसा भी ख़त्म हो चुका है उसकी भी सुविधा करनी चाहिए। ये मेरी मोहतरमा गुजारिश है ताकि वो अपनी इस रियासत में आ जाएं। साथ में जो लेबर्स को जो वापस आई है, वो कुठुआ में लगभग 20 दिन से 15 दिन से वहाँ पे क्वारंटीन में रखी गई है और उनकी वो मुद्दत पूरी हो गई है, अब उनको अपने घरों में भेजना चाहिए, ये भी मेरी गुजारिश है, क्योंकि उनकी परिवार बार बार हम पे फोन के ज़रिए बातें करते हैं। और जो वीकर सेक्शन है, जैसे PHH है, APL है, BPL है, अंतोतिया है, अन्नपूर्णा है, इन और लेबरर्स हैं जो दिहाड़ी करके दिन में काम करते थे, जैसे हाउस बोट वाले हैं, शिकारा वाले हैं या लेबर हैं, या उसके साथ साथ जो रेडी का काम करते हैं, जो दिन को मजदूरी करके शाम को खाते हैं, उनके लिए खुसूसी तौर पे पैकेज जो है वो गवर्नमेंट को देना चाहिए, उनके अकाउंट्स में पैसा भेजना चाहिए और 6 महीने का राशन कम से कम इस रियासत के वीकर सेक्शन को के लिए मंजूर किया जाना चाहिए। और साथ में ये जो हमारा इस वक्त रोड की समस्या बनी है कश्मीर के लिए, जो नाशी टनल से रामबानहाल तक बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए मेरी मोहतरमा गुजारिश है कि सिंथन का रोड फौरी तौर पर खोलना चाहिए ताकि ये एक बाईपास का काम दे सके। हफ्ता लग सकता है ज़्यादा बर्फ उठाने में दोनों साइड से। और इसके साथ ये जो मड़वा वर्मन का एरिया जो बिल्कुल कट ऑफ है पिछले 6 महीने से, मरगन तक गाड़ी जाती है और मरगन से लगभग 20 किलोमीटर एरिया जो है वहाँ बर्फ उठा के, ताकि मड़वा वर्मन के लोगों की मुश्किलात हल हो जाएं। न वहाँ मेडिसिन है, खाने पीने की भी प्रॉब्लम है, ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, डोडा, रामबन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ लोगों के मुश्किलातों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। और इस मुअल्लक बीमारी के साथ हम सब इकट्ठा हैं, तमाम अपोजिशन और तमाम गवर्नमेंट जो इकट्ठा होकर इसके मुकाबला करना है और इसको भगाना है। अल्लाह करे कि ये वबा जो है हमारे मुल्क से दूर हो जाए और हमें गुनाहों की मगफिरत हो जाए। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर।